3 दिसंबर 2023 को आए चुनावी नतीजों में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार जा चुकी है। और ये राजस्थान के अंदर हर 5 साल में होता है कि कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है और कभी बीजेपी आती है, तो ये चलता रहता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सबसे ज़रूरी है, दोनों ही सरकार की कुछ एक योजनाएं हैं जो कि एक सरकार आती है तो योजना लागू करती हैं, दूसरी सरकार आती है तो उन योजनाओं को बंद करती हैं या फिर उन योजनाओं के नाम बदल देती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कांग्रेस सरकार की कौन कौन सी योजनाएं कंटिन्यू रहने वाली हैं, इसके अलावा किसानों के लिए एक नई योजना आने वाली है, इसके अलावा एक नई आवास योजना के भी आने की एक संभावना है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इसी प्रकार की जरूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि फ्री मोबाइल फ़ोन योजना का क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता योजना का क्या होगा, जो फ्री में यहां पे जो आपकी बिजली मिलती है उसका क्या होगा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का क्या होगा, आयुष्मान भारत योजना का क्या होगा, जन आधार कार्ड योजना का क्या होगा, तो ये सवाल हैं। इसके अलावा कुछ एक लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जो पहले से योजना चल रही थी इसके अलावा बीजेपी कौन सी नई योजना लाएंगे, तो कुछ एक योजना कंफर्म है उसकी जानकारी भी देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा आपको एंड तक देखेंगे तभी आपको सभी योजनाओं की जानकारी मिल सकती हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन आधार कार्ड योजना के बारे में। जन आधार कार्ड योजना आप सभी को पता है कि क्या है, आपके पास जन आधार कार्ड होगा। तो ये जो अगली बार जब कांग्रेस आई थी उससे पहले बीजेपी ने इस योजना को भामाशाह कार्ड योजना के नाम से प्रारंभ किया था, उसके बाद कांग्रेस आती है और इस योजना का नाम बदल के जन आधार कार्ड योजना हो जाता है। यहाँ पे इस योजना का नाम उस समय बदला गया था तो इसी वजह से संभावना बनती है कि इस बार भी नाम बदला जाएगा। तो सवाल ये भी है कि क्या वापस इसका नाम भामाशाह कार्ड योजना रखा जाएगा या फिर कोई और रखा जाएगा। तो इसके अंदर भी दो संभावनाएं बनती हैं कि अगर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनती हैं तो इसका नाम भामाशाह कार्ड योजना हो सकता है, लेकिन कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो इस योजना का नाम बदला भी जा सकता है और योजना कंटिन्यू भी की जा सकती है इसी नाम से। अब इस योजना का ओनली नाम बदला जाएगा, आपके पास जन आधार कार्ड है वो यही रहेगा, उसका जो डेटाबेस है वो भी वही रहेगा, आपका नाम फोटो इसके अंदर जो सर्विसेज रनिंग है वो भी यही रहेगी। तो इसके लिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास जो कार्ड है वह बदलेगा, इसके अलावा कुछ भी बदलाव इसके अंदर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अगली योजना के बारे में जो कि है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये एक ऐसी योजना है जो कि एक लोक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के जो बेनिफिट हैं वो कि आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस योजना का बेनिफिट बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया है और ये योजना बंद नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। हो सकता है कि इसका नाम बदला जाए, नाम में भी ऐसा कोई नहीं है, चिरंजीवी योजना है, अच्छा नाम है, यही नाम रखना चाहिए और मुझे भी संभावना है कि इस योजना का नाम यही रखा जाएगा। लेकिन एक संभावना ये बनती है कि आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की, उसको यहाँ पे लागू किया जाए, तो ये एक संभावना बनती है। इससे पहले भामाशाह कार्ड स्वास्थ्य बीमा योजना भी थी, इसी का नाम बदल के चिरंजीवी योजना का किया गया था, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए थे और ये बदलाव लोक कल्याणकारी बदलाव थे, तो ये एक अच्छी योजना कही जा सकती है। तो इस योजना का नाम नहीं बदला जाएगा ये मुझे लगता है और योजना कंटिन्यू की जा सकती हैं। अगली योजना है कि जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग थी, यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता योजना है जिसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिला भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला क्योंकि इसके नियम भी कुछ ऐसे ही थे जिसकी वजह से सभी लोग इस योजना का बेनिफिट नहीं ले पाए थे। तो ये योजना तो पहले से भी रनिंग थी, कई सालों से लगातार रनिंग है, तो इस योजना के अंदर कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं लगती, ये योजना भी कंटिन्यू होने वाली है।
अब अगली योजना है कि जो फ्री बिजली बिल योजना है उसका क्या होगा, तो ये भी पूरी संभावना है कि ये योजना भी कंटिन्यू होगी और यहाँ पे जो किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए गए वो भी कंटिन्यू होने वाली हैं, क्योंकि जो किसानों की पहली बार योजना लाई थी तो बीजेपी ही लेके आई थी, उसके बाद कांग्रेस ने बदलाव किए थे और उसके बाद घरेलू बिजली बिल पर भी छूट दी गई थी, तो ये योजना कंटिन्यू भी हो सकती हैं। अब अगली संभावना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, तो इस योजना का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि इस योजना को बंद किया जाए और हो सकता है कि इस योजना को कंटिन्यू किया जाए। अब अगली योजना है इंदिरा रसोई योजना, इसका नाम कन्फर्म बदला जाएगा, योजना कंटिन्यू होगी, प्रोसेस बदला जा सकता है और नाम इस योजना का बदला जा सकता है। अगली योजना की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अगली योजना क्या है, जो गैस सिलेंडर योजना है, और ये गैस सिलेंडर योजना कंटिन्यू होने वाली है, जो कि कांग्रेस सरकार लेके आई थी और बीजेपी ने घोषणा की थी, जो कि मुझे लगभग जितना याद है 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की, तो ये हो सकता है कि इस योजना को 100% कंटिन्यू किया जाएगा। अगली योजना है फ्री मोबाइल फोन योजना, और ये योजना 99% बंद हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी संभावना है कि इस योजना को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, 1% संभावना बनती है कि इस योजना को कंटिन्यू किया जा सकता है। ये योजना बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि मार्च अप्रैल के अंदर अगर कांग्रेस वापस आती तो सभी को मोबाइल फोन वितरण किए जाते, तो अब हमें इंतजार रहेगा कि बीजेपी भी क्या इसे कंटिन्यू करती हैं और मोबाइल फोन वितरण करती हैं, या फिर इस योजना को बंद करती हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि इस योजना को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस योजना को बंद करना चाहिए। बंद होने की संभावना इस योजना में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी योजना है जिसके बारे में मैं नहीं बता पाया तो आप बता सकते हैं कि ये योजनाएं बंद होने वाली हैं या फिर कंटिन्यू रहने वाली हैं, जिससे कि आपके ज्ञान की भी चेकिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नई योजना कौन सी आने वाली हैं, तो दो सबसे महत्वपूर्ण योजना हैं जो कि आने वाली हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना आ सकती हैं। इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं उसे 12,000 रुपये राजस्थान के अंदर किया जा सकता है, तो ये दो नई योजना आने वाली हैं और पूरी संभावना है कि ये योजना आने ही वाली हैं। तो ये दो योजना आने वाली हैं आप सभी के लिए और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन के बाद क्या होने वाला है, कौन सी योजनाएं जाएगी, कौन सी कंटिन्यू होगी, कौन से नाम बदलेंगे और कौन सी योजनाएं नहीं आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो बाय बाय दोस्तों।